तो दिस इज आवर एनपीओ लेक्चर नंबर 9 एंड इन दिस लेक्चर नंबर 9 मेरा पहला रिक्वेस्ट सबसे कि हम लोग जो पहले का किया पहले फटाफट से रिवाइज करवाएगा हम लोग को 10 मिनट्स के अंदर, उसके बाद अपन ट्राई करेगा 3 से 4 इलस्ट्रेशन करने का, आराम से हो जाएगा बिना कोई दिक्कत के, पर ये सब के लिए हमको आपका खाली रिप्लाई चाहिएगा और क्लास में एक्टिवनेस चाहिएगा। सो आर वी गुड टू स्टार्ट? आई बिलीव वी आर गुड टू स्टार्ट, तो हम शुरू कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, एनपीओ क्या होता है? NPO is a voluntary association of person whose motive is social welfare and to promote arts, culture, sports and to promote art, recreational activities and not to earn profit. जिनका मोटिव इज सोशल वेलफेयर एंड टू प्रमोट आर्ट स्पोर्ट कल्चर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट प्रॉफिट ये एनपीओ के बारे में हम ज्ञान दिए है। क्या इससे किसी को कोई दिक्कत है कि हमको इसका रिप्लाई चाहिए जल्दी से? नहीं नहीं भैया नहीं। अब इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन और लोग को हम लोग एनपीओ में क्या बोलते हैं? एनपीओ का एसोसिएशन मेंबर्स मेंबर्स, और ये मेंबर्स लोग किसको इलेक्ट करते हैं हमें ये मैनेजिंग मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमिटी। एनपीओ को चलाता कौन है? मेंबर्स, और मेंबर लोग किसको इलेक्ट करते हैं? मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी। ओके, ये एनपीओ ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है? इसमें क्लब, सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, क्लब्स, चैरिटेबल सोसाइटी, चैरिटेबल सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज, क्या यहाँ तक सबको याद है? बढ़िया से जल्दी से बताइएगा। हाँ भैया, हाँ भैया, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ भैया। अभी एनपीओ को चलाने के लिए क्या जरूरत है? एनपीओ रिक्वायर्स फंड्स एंड उसका सोर्सेस क्या क्या है? आज हम लोग वो बात कर रहे थे। पहला जन जो कंट्रीब्यूट करता है दैट इज मेंबर्स। मेंबर्स मेंबर जो पहला तरीका से पैसा देते हैं, एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी, एंड दिस एंट्रेंस फी इज अ इनकम ऑफ द एनपीओ। पर अगर ये एंट्रेंस फी अप्रूव नहीं है, दिस लायबिलिटी। परफेक्ट। एंट्रेंस फी के बाद क्या है हम लोग का? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सिमिलरली ये सब्सक्रिप्शन भी एनपीओ के लिए इनकम। सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट एनुअल फीस जो मेंबर्स लोग पे करता है एनपीओ को। मेंबर लोग एनुअली या पीरियोडिकली एक रुपया देते हैं ना एनपीओ को मेंबर बना रहने के लिए, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। पर कुछ लोग इंस्टेड ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस and it is a liability. Second source is donation. जो general donation है हमारा, वो हमारा क्या? Income. Income. जो हमारा specific donation liability. Liability. से related जो sum हम लोग करेगा, fund based account. आज हम लोग शुरू करेगा। तो हम लोग को जो स्पेसिफिक डोनेशन आया है, बोला कि ये डोनेशन से आप टूर्नामेंट करवाइए, उसके लिए डोनेशन दिया गया है, उसका अकाउंटिंग करने के लिए तरीके को क्या बोलता है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तुम लोग में से मान लो कोई हमको बोला 50,000 रुपया गौतम जी आप इससे टूर्नामेंट करवाइएगा, तो हमको आपको हिसाब तो करके देना पड़ेगा ना कि इतना रुपया लगा, ये पर्पज के लिए लगा, क्योंकि आपका पैसा खाली वो टूर्नामेंट के लिए यूज हो सकता है। तो उसका हिसाब अलग से हम लोग करते हैं, उसका अकाउंटिंग को हम लोग क्या अकाउंटिंग बोलते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग।
क्या बोला, समझ में आया या नहीं आया? हाँ भैया. हाँ भैया. द लास्ट इज legacy will be an income if no purpose has been mentioned, but if the purpose has been mentioned then it is a liability. और कहीं पे भी ऐसा नहीं माना जाता. ठीक है, इन लोग कर रहे हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड जो एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं. क्या यहाँ तक सबके लिए क्लियर है क्या? हाँ भैया. गवर्नमेंट ग्रांट भी इनकम भी मान सकते हैं हम लोग. लाइबिलिटी. क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? एक बार बताना जल्दी से. हाँ भैया. और हमको एक चीज समझाना, तो ये मेंबर्स का पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं अगर आप लोग को ये पता है तो? कैपिटल फंड और रिजर्व फंड. कैपिटल फंड, जनरल फंड. सॉर्टेड? हाँ भैया. हाँ भैया. सर कितना पॉइंट अपन कर लिया? 5 पॉइंट अपना हो गया. अब ये बताना क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ बनाते हैं हम लोग? क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ बनाते हैं हम लोग? व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स. इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इट इज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. हम लोग इसमें से क्या बनाने का सम कर चुके हैं हम लोग? Receipts and payments. If you remember, this receipts and payments is prepared on what basis? Cash basis. Which will record both kind of items. Revenue and capital items. हम आप लोगों को last class भी समझाया था, और अब इसमें भी बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जो भी रुपया आपको इस साल मिला है, whatever you have received. Or you have paid in the current year. Received or paid. Payment या पैसा आना या जाना in the current year, वो सारा का सारा RNP में आएगा. But it can belong to, ये किसको belong कर सकता है? ये previous year, current year or next year. It can belong to the previous year or the current year or the next year. पर अगर हम IND बनाता तो क्या प्रीवियस ईयर इस साल में आएगा? नहीं. क्या नेक्स्ट ईयर का आएगा? नहीं. खाली क्या चीज का आएगा? करेंट ईयर. आप लोगों को अगर याद है तो सब्सक्रिप्शन का सम में ऐसे आरएनपी बना के देता था इन लोग. और मान लो हम लोग का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स का ईयर एंडिंग है 31/3/19, तो अपना साल क्या हो गया? 18/19. यस या नो? हां भैया. आरएनपी के अंदर बोल रहे हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिला है, ऐसे लिख के दिए 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का. ये तीनों मिला कब है? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, ये सब मिला कब है? इस साल. करंट ईयर. 18-19 में मिला. पर ये 17-18 है कब का? लास्ट ईयर. ये लास्ट ईयर का रुपया है जो कब मिला है? इस साल. उसके लिए कहां पे जाएगा? 18-19 कब का है? इस साल. करंट ईयर. इससे हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है. 19-20 कब का है? नेक्स्ट ईयर. ये कहा जाएगा? क्लोजिंग एडवांस. ये जो टोटल दिया हुआ है इसमें से ये दोनों जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये दोनों को हम लोग क्या कर देगा? माइनस. ताकि हम लोग को क्या मिल जाए? करंट ईयर. गाइस अगर अभी भी नहीं बोल पा रहा ना, बहुत ज्यादा झमेला हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए चैप्टर. बहुत दिक्कत. बहुत ज्यादा दिक्कत. क्लियर है भैया? क्लियर है भैया. तो क्या प्रिपरेशन ऑफ आरएनपी सबके लिए सॉर्टेड है? हमको इसका रिप्लाई चाहिएगा. हां भैया. हां भैया. हां भैया. अब प्रिपरेशन ऑफ आरएनपी के बाद नेक्स्ट क्या है अगर आप हमको इसका रिप्लाई? प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? आईएन एक्सपेंडिचर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर. This is recorded on what basis? It is prepared on
अक्रूअल बेसिस अक्रूअल बेसिस तो इसके अंदर दोनों टाइप का आइटम आएगा कैश एज वेल एज नॉन कैश इट विल रिकॉर्ड डेटा ओनली ऑफ द revenue item of the current year and what kind of items revenue item. मतलब इसके अंदर हम लोग का सारा इनकम जाएगा और सारा एक्सपेंस जाएगा कब का ये मेरा क्वेश्चन है करंट ईयर का पर क्या जरूरी है इसका पैसा मिला होगा क्या जरूरी है पैसा मिला होगा नहीं जरूरी नहीं है और मिल भी सकता है दोनों सिनेरियो पॉसिबल है अपने हाँ. लास्ट में क्या बनेगा हम लोग का बैलेंस शीट बैलेंस शीट के अंदर सारा कैपिटल आइटम्स जाएगा व्हिच इज बेसिकली व्हाट एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड आई रिपीट या यहाँ तक ठीक है आप लोगों के लिए भैया पक्का हाँ भैया अब एक काम कीजिए अपना बुक निकालिए ठीक है और इलस्ट्रेशन नंबर टू निकालिए वन कर लिया हम लोग शायद देखो इलस्ट्रेशन वन हम लोग का हो चुका है चेक कर लो आप लोग एक बार कर लिया वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन नंबर वन अगर आप हमको बता सकते हैं हैव वी सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन नंबर वन देखो एक बार जल्दी से फिर रिप्लाई नहीं आएगा ना तो देखो क्लास नहीं हो सकता इतना लोग मिलकर आप लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे दिस इज वेरी वेरी बैड इतना लोग है क्लास के अंदर प्लीज बोलो इलस्ट्रेशन वन सबका हो गया है क्या आरएनपी बनाना था हम आप लोगों को ये आरएनपी बनाना सिखा दिया ऑलरेडी याद है आरएनपी का फॉर्मेट क्या होता था यहाँ पे क्या आता था रिसीप्ट्स अमाउंट पेमेंट रुपीस टू बैलेंस तो अगर रुपया आएगा तो रिसीप्ट में जाएगा रुपया जाएगा तो कहाँ जाएगा पेमेंट साइड में इनकम सारा कहाँ पे होगा रिसीप्ट में पर सारा एक्सपेंस कहाँ पे पेमेंट साइड में पेमेंट क्योंकि एक्सपेंस मतलब रुपया जा रहा है इनकम मतलब रुपया आ रहा है वो भी ऐसा पढ़ाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को ठीक है आइए इलस्ट्रेशन टू वंस यू आर रेडी यू कैन लेट मी नो हम चाहते हैं मेरा पूरा बैच पार्टिसिपेट करे क्लास के अंदर मतलब इन लोग हम लोग को क्या बना के दिया बोल रहे फ्रॉम आरएनपी बना के दिया रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब तो व्हाट इज द नेम ऑफ द एनपीओ व्हाट इज द नेम गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली तो अपने को एनपीओ बना के दिया अपना कंपनी एनपीओ का नाम है गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली और उसके लिए लोग क्या बना के दिया रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना के दिया है तो फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बनाने बोला है ये नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड March 2019 तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने बोला है 31/3/19 का ईयर एंडेड का और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स दिया है बना के तो भाई लोग इस बार हम लोग को सम में किससे क्या बनाना है अगर आप हमको आंसर कर सकते हैं आरएनपी से आईएनपी बनाने उस आरएनपी के अंदर आपको समझना पड़ेगा वो सारा पैसा होगा जो प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर का कब मिला होगा करंट ईयर में पर आईएनडी में क्या प्रीवियस ईयर जाएगा क्या नेक्स्ट ईयर का जाएगा क्या नहीं खाली कौन सा जाएगा करेंट ईयर ये दोनों नहीं जाएगा पर ये आरएनपी में क्यों है क्योंकि इसका पैसा कब मिला है करेंट ईयर में करेंट ईयर अब आरएनपी के अंदर रेवेन्यू आइटम भी होगा और क्या तरह का आइटम होगा कैपिटल आइटम पर आईएनडी में खाली क्या जाएगा रेवेन्यू आइटम मतलब जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये कैपिटल आइटम हम लोग का कहां जाता है बैलेंस शीट बिकॉज ये क्या है एसेट्स एंड फॉर्मेट रेडी कर रहे तो सबसे पहले ये ना एनपीओ का नाम लिख लो क्या है एनपीओ का नाम बताओ ना हमको प्लीज गोल्डन क्रिकेट क्लब ये लिख लो गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली और नीचे हम लोग लिख रहे हैं इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड, व्हाट इज द फॉर द ईयर एंडेड, अगर आप हमको हेल्प कर सकते हैं। 31390। अब हम लोग यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड है, तो सारा खर्चा इज ऑन द डेबिट साइड। और यहां पे क्या लिखेंगे, इनकम ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड। ये फॉर्मेट है, जब रेडी हो जाए तो बता देना आप। मैं देखो हम लोग साथ में शुरू करेगा पूरा चीज। हो गया भैया। अब हम पहला आइटम पढ़ रहे हैं। पहला आइटम के अंदर रिसीप्ट के अंदर दिया हुआ है कैश इन हैंड। तो नाउ यू नीड टू आंसर टू मी, कैश इन हैंड क्या होता है, आप हमको बता दो। कैश इन क्या होता है, एसेट। क्या एसेट यहाँ पे आएगा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जल्दी से नहीं आएगा, छोड़ दो। कैश एट बैंक भी हम लोग का क्या होता है, अगर आप हमको इसका रिप्लाई कर सकते हो। एसेट क्या, एसेट यहाँ पे आएगा क्या, नहीं। एसेट सारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं आएगा, दोनों का दोनों कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक, क्या हम आगे बढ़ा सकते हैं क्लास को? सब्सक्रिप्शन में तीन डेटा दिया हुआ है, 17, 18, 18, 19, 19, 20, तीन साल का डेटा दिया हुआ है। इसमें से कौन सा डेटा अपना साल का, ये मेरा आपसे पहला 2,25,000। हम लोग का साल का ईयर एंडिंग क्या, 31,390, मतलब हम लोग का साल क्या है, 18, 19. टोटल 18, 19 में रुपया कितना मिला है, 2,65,000 टोटल। टोटल 18, 19 में मिला 2,65,000, इसमें से पिछले साल का कितना है, 30,000 साल का कितना है, 2,25,000 और नेक्स्ट ईयर का कितना, 10,000 अपना इनकम में खाली कितना जाएगा, 2,25,000 क्योंकि 2,25,000 इस साल का, 30,000 लास्ट ईयर का है, 10,000 नेक्स्ट ईयर का। उसके लिए 30,000 हम लोग कहाँ पे लिखता था, एरो में, 10,000 को क्या लिखता था, क्लोजिंग अकाउंट। इस दोनों को इससे माइनस कर देता था, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, क्या 2,25,000 क्या हो गया, नहीं हुआ क्लियर आप लोगों को? इनकम साइड में जाके हम लोग पहला आइटम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज आवर इनकम, कितना रुपया का ये बताइएगा, 2,25,000 एकदम मस्त आराम आराम से कर रहे हैं, कोई हड़बड़ी करने का जरूरत ही नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? अब डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन आया बिल्डिंग के लिए, स्टॉप, दिस इज अ डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो ये क्या टाइप का डोनेशन, एंड स्पेसिफिक डोनेशन हम लोग का क्या होता है, लाइबिलिटी। तो ये लाइबिलिटी हम लोग का कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट। और इसके लिए जो अकाउंटिंग करेगा ना, उसी अकाउंटिंग को क्या बोलता है, ठीक है? यहाँ तक कोई हड़बड़ी नहीं है किसी को भी, क्या यहाँ तक समझ में आ गया? गया अब बोला एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी को हम लोग क्या मानते हैं, अगर क्वेश्चन में साइलेंट है तो देखो क्वेश्चन के बाद में कुछ बोला है क्या, एंड में आरएनपी के नीचे कुछ भी बोला है क्या? नहीं बोला। एंट्रेंस फी विल बी कंसिडर्ड एज इनकम, कितना रुपया एंट्रेंस फी का इनकम ये बताइए, 23,000। लाइफ मेंबरशिप फी इज आवर, यू नो द आंसर, लाइफ मेंबरशिप फी इज आवर लायबिलिटी। तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, नहीं है। अब नेक्स्ट आइटम बोला इंटरेस्ट, सुनो ये इंटरेस्ट कौन सा साइड पे है, पेमेंट या रिसीप्ट साइड, रिसीप्ट मतलब आपको मिला है, तो ये आपका क्या हो गया है, इनकम, इनकम, इनकम। तो बाय इंटरेस्ट, कितना रुपया का इंटरेस्ट, 18,000। क्योंकि ये रिसीप्ट में था तो ये इनकम है, अगर यही इंटरेस्ट पेमेंट में होता तो ये इंटरेस्ट क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर। इफ द इंटरेस्ट is on the received side, then obviously ये हम लोग को मिला है, और मिला है तो ये हम लोग का क्या है, income। और अगर यही interest हम लोग का payment side में है तो हम लोग pay किया है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, expenditure। क्या हुआ, समझ में आया या नहीं आया? आ गया, समझ में आ गया भैया। अब payment side में चलते हैं, और पेमेंट साइड के अंदर पहला आइटम क्या है ये बताइएगा जल्दी, प्रिंटिंग एंड मशीनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मशीनरी कहाँ है हर्षित? सॉरी स्टेशनरी,
ठीक है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हम लोग कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर। अब ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो एसेट है नहीं, तो नॉर्मल खर्चा ये तो हम लोग का, तो कहाँ आएगा? एक्सपेंडिचर। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, नेक्स्ट खर्चा क्या बोला है? लाइटनिंग। आई होप ऐसा पता है लाइटनिंग कोई एसेट थोड़ी होता है। एसेट क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, रेट्स एंड टैक्सेस, ये सब रेगुलर वाला खर्चा है हम लोग का, 17,000। टेलीफोन चार्जेस, तो ये सारा हम लोग का खर्चा लग रहा है भाई, डेली बेसिस वाला खर्चा है। यस या नो? वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज में कितना रुपया, ये बताना जल्दी से प्लीज। 88,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, 15,000। ठीक है, कोई भी दिक्कत है क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम डेली बेसिस पे करता है, इसका रेगुलर खर्चा, हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। वेजेस सैलरी को डेली बेसिस वाला खर्चा हर महीना देना पड़ता है। पर नेक्स्ट आइटम हमको आप सोच के बताएगा। इन लोग बोला फर्नीचर, तो फर्नीचर हम लोग का क्या होता है अगर आप लोग हमको बता रहे हैं? एसेट। और अगर फर्नीचर एसेट है तो ये एसेट कहाँ पे जाएगा हम लोग का? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। इसको इनकम एंड एक्सपेंस में लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया हम लोग का? कैपिटल। समझ गए हो? कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आएगा या नहीं आएगा? कैश एट बैंक आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये भी क्या है? एसेट। और ना एक और आइटम दिया हुआ है लास्ट में, क्या आइटम दिया हुआ है? लॉकर। स्टॉप, अगर आपको पता है तो जिम विम में लॉकर बनाया हुआ होता है। आप ये सब वॉटर एम्यूजमेंट पार्क में जाता है, इसमें आप लोग लॉकर लेते हैं ना अपना सामान वामान रखने के लिए, तो इसका आप लोग को क्या देना पड़ता है? रेंट देना पड़ता है। आप लॉकर लिया है ना, उसका क्या देना पड़ता है? रेंट देना पड़ता है। तो ये एनपीओ को मिलेगा, हो सकता है उनका क्लब में वो लॉकर्स बनाया हो, तो कोई स्पोर्ट्स वोर्ट्स खेलने आता है, उनको लॉकर चाहिए, तो उनको लॉकर का क्या पे करना पड़ता होगा? रेंट। जैसे बैंक में भी अगर आप लॉकर लेते हो तो आपको बैंक को लॉकर का रेंट देना पड़ता है। पता नहीं है, पता नहीं तो बताओ भाई जल्दी से, यहाँ पे क्या आएगा? बाई बाई लॉकर। 42,000। क्या बोला, समझ में आया? अब मेरा बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमको इनकम का क्रेडिट साइड का टोटल करके बताओ। इनकम का टोटल कितना है, कितना रुपया इनकम में कमाया है? ये मेरा क्रेडिट है, हम इसका टोटल कर रहे हैं कि देखते हैं कि मेरा इनकम कितना हुआ है एनपीओ का। तो इसका टोटल कर लो फटाफट से, जल्दी से अगर आप कर सकते हो तो कैलकुलेटर। 3,08,000। इनकम का टोटल कर लो आराम से सब लोग, 2,25,000+23+18+42। सबको वेट कर रहे हैं, करने देने का मौका दे रहे हैं। अगर हम इसको ऐड करता तो हम ऐसे ऐड करता, लाख्स में कितना फिगर है? एक फिगर है। कितना रुपया हो गया? 2,00,000। सुन लो, आपका हेल्प होगा। अब पहला अमाउंट के अंदर हम 10,000 देखेगा, तो कितना 10,000 है यहाँ पे? 20,000। 25 मत बोलो, 10,000 पूछ रहा है, तो 20,000+20,000 कितना रुपया? 40,000 प्लस 10,000 कितना रुपया? 50 प्लस 40 कितना रुपया? अब हम थाउजेंड्स में जाएगा, तो पहला में थाउजेंड कितना है? 5,000। 3,000, 8,000 प्लस 8,000 16,000 प्लस 2,000 18,000। अब अगर आप इसको ऐड करेगा तो आपका टोटल कितना आ रहा है? 3,08,000। ये आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है, तो ये आपका रफ नोट है, रफ शीट में किया हुआ होगा। तो बताओ इनकम का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, हमको ये जानना है। 3,08,000। क्रेडिट इनकम आप इतना कमाया है, तो ये एनपीओ को कितना रुपया मिला है? 3,08,000। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है हमको ये जानना है। 189। ये इसको ऐड करना पड़ेगा अपने को, तब सेम तरीका लगा सकता है। पहले कितना है? 30,000। फिर कितना? 20,000। फिर कितना? 10,000।
फिर तो हाँ एक और है 80,000 और एक है 10,000। अब पहले इसको ऐड कर लो 30 + 20 = 50 = 60 = 140 = 150 हो गया। अब कितना 8,000, 6,000, 14,000 + 7,000 + 7,000 = 21,000 + 2,000 = 23,000 + 2,000 = 25,000 + 8,000 = 33,000 + 4,000 = 38,000 फिर 750 प्लस 250 कितना रुपया होता है 1,000 रुपया होता है प्लस 600 1,600 रुपया आ रहा है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे 189,600 आ रहा है मेरा तो। देखो आप लोग का भी आया गया तो एक्सपेंडिचर का साइड कितना हो गया 189,600। अब एक बात बता भाई तो दोनों साइड का टोटल किसका बढ़ा है इनकम का बढ़ा है तो दोनों साइड का टोटल तो हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा 3,08,000। अब आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये बताना जल्दी से। फायदा हुआ तो आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ आपको कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ आप ये हमको कैलकुलेट करके बता दो। 1,18,400 आप हमको एक बात बताओ क्या एनपीओ का मोटिव है प्रॉफिट कमाने का? क्या क्या एनपीओ का मोटिव है क्या प्रॉफिट कमाने का? ये जो अमाउंट है प्रॉफिट इसको एनपीओ बताए क्या बोलता है? सरप्लस। क्या बोलते हैं? सरप्लस। और अगर लॉस होता तो वो यहाँ पे क्या लिखता? बाई वॉट डेफिसिट। पर क्या अभी लॉस हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि मेरा इनकम बड़ा है एक्सपेंस से। अगर इनकम छोटा होता एक्सपेंस ज्यादा होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखता? बाई वॉट बाई डेफिसिट। पर अभी तो इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो सरप्लस कितना रुपया का सरप्लस ये बताइए। 1,18,400। दिस इज योर आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो वापस से, कोई दिक्कत नहीं हमको। क्लियर है भैया? क्लियर है भैया। समझ में आया क्या सबको? आराम से आया होगा समझ में? हाँ भैया आया। हाँ भैया। हम लोग का इलस्ट्रेशन 1 और क्वेश्चन 1 हो चुका है, इलस्ट्रेशन 2 हो गया। हम आपको 10 मिनट्स दे रहे हैं, 10 मिनट्स दे रहे हैं क्या करने के लिए बताओ जल्दी से हमको। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या आप रेडी है क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए? हम 10 मिनट्स दिए आप लोगों, कैन यू स्टार्ट डूइंग इट? हाँ भैया। फिर रिप्लाई नहीं आ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। बोलो कैन यू स्टार्ट? हाँ भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। फिर 3 और 4 करने का सोचा है तो क्वेश्चन 2 10 मिनट दे रहे हैं। 10:10 हुए, 10:20 पे आपसे मिलेंगे आके हम। आप लोग सम ट्राई कर रहा था, क्या किया है आप लोग को? रिप्लाई हो गया भैया। 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 आप लोग को समझ में आया या नहीं आया ये मेरा क्वेश्चन है आपसे? आ गया भैया। परफेक्ट। चलिए लेट्स आई विल डिस्कस द सम देन। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं सम को। रेडी है आप लोग? हां हां। सर अपना है नाम क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट For the year ending 31st March 2019, तो ना हमेशा जो अपना year होता है ना उसको sorted रखो। For the year ended 31/3/19 है, तो अपना year कब से कब तक का? ये मेरा पहला 1/4/18 से 31/3/19 हमेशा याद रखना और bracket के अंदर लिख लेना 2018/19 हमारा साल है, इसमें confuse मत हो जाना। अब ये बताओ यार अपना club का नाम क्या, पहले वो लिख लेता। What is the entertainment club? अब एंटरटेनमेंट कब और उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? अगर आप लोग हमको हेल्प करोगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/19। यहां पे हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिचर रुपीस, इनकम रुपीस। और यहाँ पे क्या चीज का कौन सा साइड? डेबिट साइड। और ये कौन सा साइड हो गया हम लोग का? क्रेडिट।
अब देखो रिसीप्ट के अंदर पहला आइटम क्या दिया हुआ है, कैश बैलेंस, तो कैश इज योर, अगर आप हमको रिप्लाई कर सकते हैं कैश एसेट, तो क्या ये जाएगा या नहीं जाएगा, हमको इसका आंसर चाहिए, कैश इज योर एसेट, नहीं जाएगा, क्या ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा क्या, नहीं ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं जाएगा, क्लियर है सबको, एवरीवन सॉर्टेड। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फी हम लोग अगर आपको लायबिलिटी भी अपना यहाँ पे नहीं जाएगा। लॉकर रेंट, अभी समझा के लेके आया था लॉकर रेंट, रिसीप्ट मतलब लॉकर रेंट एनपीओ को मिला है, ये लॉकर रेंट कम है इन लोग के लिए, लॉकर रेंट कितना 22,000। फिर एंट्रेंस फी, क्या सब में एंट्रेंस फी के बारे में कुछ भी बोला गया है क्या, क्या मानेगा एंट्रेंस फी को, इनकम कितना रुपया का इनकम माने, 5,700। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन में तीन डेटा दिया हुआ है, 17, 18, 18, 19, 19, 20, हम कुछ पूछने वाले हैं रिप्लाई करना, अगर हम छतरी बनाता तो ये 17, 18, 14,200 कहाँ पे जाता, अगर हमको ये बता सकते हैं, और जो ये 19, 20 है 11,600 है तो ये क्लोजिंग एडवांस, तो दोनों को हम लोग क्या करता है माइनस, किससे माइनस करते हैं दोनों को हम लोग 3,71,800 से दोनों को माइनस करके क्या आ जाता है, ये आता 3,46,000, तो हम लोग का करंट ईयर का है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खाली कौन सा ईयर का जाता है, करंट ईयर का, करंट ईयर, तो 22 सब्सक्रिप्शन खाली इस साल का जाएगा, कितना रुपया जाएगा, 3,46,000। क्या बोला, अभी भी नहीं समझे हो, फिर सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट है डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, तो जो डोनेशन आया वो स्विमिंग पूल के लिए आया, तो ये क्या टाइप का डोनेशन, अगर हम रिप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, इज दिस ओके फॉर एवरीवन, ठीक है, ये कहाँ जाएगा बैलेंस शीट का, कौन सा साइड पे जाएगा, जल्दी से बता दो प्लीज, इसके लिए जो अकाउंटिंग करता है, इसके लिए जो अकाउंटिंग करेगा डोनेशन चलेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज ऑन द रिसीव साइड, तो इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इनकम, इनकम, इनकम बाय इंटरेस्ट, कितना रुपया का इंटरेस्ट लिखेंगे अपन, 15,000। फिर मिसलेनियस इनकम, बाय मिसलेनियस इनकम, और कितना रुपया का इनकम हुआ मिसलेनियस से, 700। फिर इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, 12,000। इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट 12,000। क्या यहाँ तक सबका क्लियर है क्या, हमको रिप्लाई करना पड़ेगा, आप लोग को जल्दी से बोलना। अब जाइए पेमेंट साइड में, और पेमेंट साइड में पहला खर्चा का नाम क्या लिखा हुआ है, रेंट, रेंट, रेंट तो रेवेन्यू नेचर का, डेली बेसिस में पेमेंट होता है, एसेट थोड़ी है रेंट, हो गया। फिर फर्नीचर, पर फर्नीचर हम लोग का क्या होता है, जल्दी से रिप्लाई कर, एसेट तो यहाँ पे नहीं आएगा, सैलरी आएगा क्या, ये सैलरी आएगा, इंश्योरेंस लिया है तो आपको पेमेंट करना पड़ता है प्रीमियम हर साल 12,600। टू टेलीफोन चार्जेस 18,200। प्रिंटिंग, टू प्रिंटिंग 4,100। यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ। इन्वेस्टमेंट परचेज, यार इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम लोग का, हम आप लोग से रिप्लाई मांग रहे हैं, तो क्या यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। कैश बैलेंस यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब ये देखो, ये कॉमन सेंस का बात है, हम लोग का क्रेडिट साइड बड़ा है तो दिख ही रहा है, यहीं से दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन पे अमाउंट इतना बड़ा है, हम लोग यहाँ पे क्या लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकम एक्सपेंस से बड़ा है, अगर एक्सपेंस बड़ा होता इनकम छोटा तो क्या लिखता भाई, डेफिसिट। अब इनकम का टोटल करो, इनकम का टोटल किया होगा आप लोग, कितना रुपया आया ये इनकम का, 4,01,400। यहाँ का टोटल भी कितना करना है, 4,01,400। सारा इसमें से माइनस कर दो, सारा खर्चा हटा दो इस इनकम में से, क्या आ जाएगा सरप्लस, 78,500। अब बताना क्लियर नॉट क्लियर, जल्दी से, क्लियर है भैया। हम लोग इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 कर चुका है,
हम जाना चाहेगा इलस्ट्रेशन नंबर थ्री के अंदर अगर आप लोग रेडी है तो। हाँ भैया हाँ भैया पूरा बात से पूछा जा रहा है बिना रुकावट के प्लीज थोड़ा जल्दी से बता दीजिए आप भैया इलस्ट्रेशन नंबर हम शुरू तभी करेगा जब आप लोग बोलेगा गौतम भैया वी आर रेडी वी हैव द क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर थ्री एकदम इजी सा सम है तो 1.2 हो गया इलस्ट्रेशन बैक साइड दोनों कर चुका है हम जाना चाह रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर थ्री के अंदर हम आपका रिप्लाई का वेट कर रहे हैं ऑलरेडी पढ़ा दिया एंट्रेंस फी को हम लोग क्या मानते हैं अगर आप हमको जल्दी से बता इनकम इनकम अगर वो एंट्रेंस फी अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है तो लायबिलिटी हम ये बोल सकते हैं मेरा सारा इनकम इज अ रेवेन्यू आइटम हाँ मेरा सारा लाइबिलिटी इज अ कैपिटल आइटम अब हम बताया था ना कि आरएमपी के अंदर दो तरह का आइटम आता है जल्दी से बताओ क्या क्या दो रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम सारा डेली वाला खर्चा या डेली वाला इनकम जो रेगुलर बेसिस पे मिलता है वो सारा हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू वो कहाँ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और जो आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटी है वो सारा का सारा आपका क्या आइटम हो जाता है बैलेंस शीट कैपिटल आइटम और वो कहाँ जाते हैं बैलेंस शीट हम लोग एक सम किया था जिसके अंदर हम लोग क्या परचेस किया था फर्नीचर परचेस किया था फर्नीचर आपका क्या है एसेट एसेट तो क्या टाइप का आइटम हो गया कैपिटल कैपिटल आइटम आ जाएगा बैलेंस शीट अभी हम लोग एक सम और किया था आरएमपी के अंदर जिसमें एंट्रेंस फी लिखा हुआ था ये एंट्रेंस फी को हम लोग क्या माना था अगर आप हमको रिप्लाई कर सकते इनकम मतलब आप इस एंट्रेंस को क्या टाइप का आइटम माना रेवेन्यू आइटम पर अगर क्वेश्चन बोलता है एंट्रेंस फी को कैपिटल आइटम मानना है तब आप इसको क्या मानते हो लायबिलिटी इसका मतलब दिस एंट्रेंस फी हैज नॉट येट बीन अप्रूव्ड हम तो पढ़ा दिए अगर आप समझ गए हो तो बताइएगा समझ गया क्वेश्चन पढ़ता है हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फी आप एंट्रेंस फी से कैसे डील करोगे While preparing the final accounts of New Delhi Sports Club, तो अपना क्लब का नाम है New Delhi Sports Club for the year ended 31 March 2017 in each of the following cases. तो आप बताना है आपको entrance fee के साथ आप क्या करोगे हर एक केस के अंदर. केस नंबर वन से शुरू कर रहा है अगर आप रेडी है तो बताना. रेडी है भैया. रेडी भैया. केस नंबर वन. During the year 2016-17. Entrance fee received rupees 1,20,000. बोला entrance fee मिला 1,20,000 और question में कुछ नहीं बोला है. तो बताइए इस entrance fee को हम लोग क्या मानेंगे? मेरा question है. Income. Income. अगर आप लोग बोल रहे हैं कि इसको income मानेंगे मतलब revenue मानेंगे, तो हम लोग को क्या account बनाना पड़ेगा? Income and expenditure. आपको बना के दिखाना पड़ेगा कि आप क्या करेगा. How will you deal? तो आपको बना के दिखाना पड़ेगा. तो लिखिए income and expenditure account for the year ended. ये case one कर रहे हैं हम लोग. For the year ended 31-31-3-17. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? Expenditure rupees, income rupees. Clear है यहाँ तक? अब इस entrance fee को हम लोग को क्या मांगना है? Question में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो entrance fee will be considered as our income. Income. By entrance fees. कितना रुपया हम लोग का income माना जाएगा? ये मेरा question है. 1,20,000. 1,20,000. रिप्लाई करेगा आप तब पढ़ाई करने में मजा आता है. बताइए क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है भैया. क्लियर है. केस नंबर वन हम ओवर समझ ले, केस नंबर वन खत्म समझ ले आप लोग के साइड से. हाँ भैया. हाँ भैया. हाँ भैया. केस नंबर टू पढ़ रहा है. डूइंग भैया अकाउंट को बंद नहीं करना पड़ता. नहीं नहीं बस यही इट इज एन एक्सट्रैक्ट. अब इसको क्या बंद करेगा? क्या करेगा बंद करके? नथिंग. बस दिस इज इट. आपको खाली दिखाना है एंट्रेंस भी दिखेगा कैसे, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है. समझ गया? दिस इज अ वन मार्क क्वेश्चन. ठीक है? ठीक है भैया. Case number 2. During the year 2016-17, entrance fee received were 1,20,000. So entrance fee mila 1,20,000 hai. It is the policy of the club to treat the entrance fee as revenue received. So entrance fee ko kya manne bol rahe? Kya type ka item manne bol rahe? Revenue item. Revenue item. Kya manna hai apne ko? Income. Case 1 aur case 2 to same hi hai. Haan. Haan. Aise likh deta taki wapas se call karke dikhayega yaar bina matlab ka. Case 1 case 2 ka answer ye raha. सेम ही तो है. इनकम ही तो बनाना है यार. हाँ कैन आई गो अहेड? हाँ हाँ अब केस नंबर थ्री.
ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस वी रिसीव हुआ 1,20,000 तो एंट्रेंस भी मिला 1,20,000 है. It is the policy of the club to treat the entrance fee as capital receipt. तो वो बोल रहा है कि आपको इसको capital receipt मानना है. ठीक है, अगर इसको capital receipt मानना है, अगर इसको हम लोग को capital item मानना है, ये entrance fee हम लोग का क्या माना जाएगा, जल्दी से बताओ. Liability. मतलब ये अभी तक approve हुआ है या approve नहीं हुआ है? नहीं हुआ approve. हम लोग अब इस बार क्या बनाने वाले हैं? Balance sheet. Balance sheet as at 31/3/17. ये liabilities का साइड है हम लोग का बैलेंस शीट का. हाँ. और ये क्या चीज का साइड है हम लोग का? Asset. अब हम कुछ पूछ रहे हैं, पहले सुनना. मेंबर लोग तीन चीज देता है, बताओ क्या क्या तीन चीज देता है? Entrance fee, subscription, membership fee. सब्सक्रिप्शन तो हमेशा हम लोग को क्या मानना है? Income. एंट्रेंस भी अगर क्वेश्चन साइलेंट है इनकम या फिर बोला है रेवेन्यू मानो तो इनकम, पर अगर कैपिटल आइटम मानने बोला है तो क्या मानेगा इसको? लायबिलिटी. और लाइफ मेंबरशिप फी को हम लोग को क्या मानना है? लायबिलिटी. ये सब, ये जो लायबिलिटी मानना है, ये सब किसका पैसा है? मेंबर का. और मेंबर का पैसा को हम लोग एनपीओ में क्या बोलते हैं? कैपिटल और जनरल फंड. कैपिटल फंड या जनरल फंड. क्या बोला, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया. हाँ भैया. तो जब इनकम बनाना तो तब तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन गया, वहां चला गया. पर अगर ये बैलेंस शीट में आएगा केस नंबर 3 के अंदर, तो सबसे पहले बताए हम लोग क्या लिखेगा? कैपिटल फंड. कैपिटल फंड इस मेंबर का कितना रुपया, क्या ये दिया हुआ है क्या? नहीं. डॉट डॉट डॉट. इस सब हम लोग क्या प्लस कर देगा? एंट्रेंस फी. क्योंकि कैपिटल फंड मेंबर का रुपया था शुरू में, और रुपया आया एंट्रेंस फी के लिए, तो वो उसी के साथ ऐड कर दिया जाएगा. पर गौतम भैया जब इनकम मानने तब ऐड होगा या नहीं? तब तो वो इनकम में ही जाएगा. और इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर से बताए हम लोग क्या निकालेगा? सरप्लस. सरप्लस यहां जाके क्या करेगा? ऐड कर देता है. तो वो एंट्रेंस फी इनडायरेक्टली प्लस हो गया इसके अंदर. लेकिन जब वो एंट्रेंस फी बैलेंस शीट के अंदर जा रहा है, तो वो हम लोग डायरेक्टली किसके साथ प्लस करेगा? कैपिटल फंड के साथ. क्योंकि एंट्रेंस फी किसका पैसा है? मेंबर का पैसा है. और मेंबर का पैसा को क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड. तो अगर हमें पहले से कैपिटल फंड पता है क्या? नहीं. उसके लिए हम लोग क्या दे दिया? डॉट डॉट डॉट. और ये एंट्रेंस फी कितना रुपया दिया हुआ है? 1,20,000. खत्म. ऐसे लिख के छोड़ देगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हम ऐड करके अमाउंट को बाहर लिख नहीं सकते. समझ में आया? लेकिन जब इनकम मानना है तब क्या बनाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. और फिर उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो फाइनल आंसर होता है ना, वो सरप्लस में जाता है. तो हर इनकम ऐसे कैपिटल से एडजस्ट नहीं करते हम लोग. पर यहाँ पे तो एंट्रेंस फी को लाइबिलिटी मानने बोला है, एंड एंट्रेंस फी किसका पैसा है? मेंबर का पैसा है. तो उसके लिए कैपिटल फंड से प्लस कर दिया. अगर लेगेसी होता, लेगेसी, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर देता? क्यों? क्योंकि लेगेसी भी किसका पैसा है? आप लोग नहीं बोल रहे अभी भी हमको. मेंबर्स का जो भी पैसा है वो किसके साथ ऐड लेस किया जाएगा? कैपिटल फंड. और इस कैपिटल फंड के साथ लास्ट में एंड ऑफ द ईयर एक चीज और प्लस किया जाएगा, सरप्लस. पर अगर लॉस हुआ, डेफिसिट हुआ, तो इससे क्या करेगा? तो वो एंट्रेंस फी अगर इनकम में है, तो वो यहाँ पे आया है ना इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? सरप्लस. तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से घूम के आया है, क्योंकि आपको मानना इनकम है. उसके लिए तो आप एक अलग अकाउंट बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर. पर जब एंट्रेंस भी आपका लाइबिलिटी ही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. हाँ. ये सम क्लियर है? नहीं है क्लियर? आप बताएगा. क्लियर है. कोई बोलेगा अगर हम एंट्रेंस भी खाली ऐसे अलग से लाइबिलिटी में लिख दे, यार देखो इट्स अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑल्सो व्हाइल यू राइटिंग योर बोर्ड पेपर. आई एम टीचिंग यू द प्रेजेंटेशन, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. क्या हम लास्ट केस में जा सकता है क्या? अब बोला ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फी रिसीव हुए 1,20,000. अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% इज टू बी कैपिटलाइज्ड. तो एंट्रेंस फी मिला कितना रुपया है? 1,20,000. इसमें से 30% को क्या मानने बोला अगर आप हमको रिप्लाई कर सकते? लायबिलिटी. 30% और 1,20,000 कितना होता है? 36,000. ये एंट्रेंस भी हम लोग को मानना है लाइबिलिटी. और ये किसका पैसा है? मेंबर का पैसा है. इसको हम लोग क्या कर देगा अगर आप हमको रिप्लाई कर सकते? ऐड कर देगा कैपिटल फंड से प्लस. क्योंकि मेंबर का सारा पैसा एक ही अकाउंट में जाएगा, उस अकाउंट का नाम क्या है? कैपिटल. पर बचा हुआ 70% को हम लोग को क्या मानना है? ये मेरा क्वेश्चन है. इनकम.
इनकम में कितना रुपया जाएगा? 84,000 मतलब मैं क्या ये कैपिटल फंड में ऐड होगा? ये ऐड नहीं होगा, इससे हम लोग क्या चीज का आंसर निकालते हैं? सरप्लस ऐड होगा, सरप्लस ऐड होगा कैपिटल फंड। पर अभी तो हम लोग सरप्लस निकालेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग को खाली एंट्रेंस फी को दिखाना है। तो हम लोग को इस बार सम में कितना चीज बनाना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोग से। तो आइए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर रिप्लाई कम हो गया, बोर लगता है ऐसे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलो प्लीज, बोलो फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर रुपीस, इनकम रुपीस, डेबिट क्रेडिट, और इस इनकम साइड में जाके हम लोग क्या लिखेंगे? बाय एंट्रेंस फीस। कितना रुपया हम लोग का एंट्रेंस फीस? 84,000 120 × 70% को रेवेन्यू मानना है, क्योंकि 30% को कैपिटलाइज करने बोला है। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल आइटम मानने बोला है। क्या ये क्लियर है क्या सबको? हाँ। कम है अभी भी? क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है, क्लियर। अब एक चीज और बनाएगा हम लोग, क्या बनाएगा बताओ जल्दी से। बैलेंस आज एट 31/3/17 क्या लिखेगा? लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट रुपीस। अब बताइए लाइबिलिटी साइड पे क्या लिखेंगे सबसे पहले? कैपिटल फंड डॉट डॉट। क्या कैपिटल फंड का अमाउंट पता है क्या हम लोग को? नहीं, नहीं। डॉट 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 क्या ऐड कर देंगे हम इसमें से? एंट्रेंस फीस 36,000 क्या पूरा होगा क्या? नहीं, 120,000 का कितना परसेंट? 30%। डन, खत्म, ये समझ। नहीं समझ में आया तो वापस समझाएगा। समझ गया मैं, समझ गया मैं। तो आपका एक सम होमवर्क में जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है। Is this clear to everyone? हाँ, हाँ भैया। तो हम लोग का क्या क्या सम हो गया एक बार बात करते हैं अपना बुक से। 1, 2, 3 हो गया, और फिर आई थिंक 8 नंबर से हुआ था कि हम लोग का 8 से 15। बीच में एक टॉपिक बचा हुआ है 4 से लेके 7 तक, क्या चीज का टॉपिक बचा हुआ? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो हम लोग पहले ये करेगा, फिर 1 to 15 करने के बाद हम लोग एक्स्ट्रा सम्स करेगा, पहले 1 to 15 टाइप वाला। समझ में आया हम क्या बोला आप लोग को? हाँ भैया। I'll see you guys on Saturday at 9:30। ठीक है? चलेगा? हाँ भैया। See you guys. Bye bye. I am sorted. हाँ भैया।